अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर जवान मेरा नाम है, मैं नफ्सियात हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर टीची खाम में। ये कंसेंट से बना रहा हूँ, पेशेंट की मर्ज़ी से बना रहा हूँ वीडियो। पैगाम देना चाहते हैं वो, क्योंकि 20 साल से बीमार थे, विहाड़ी से हैं मोहम्मद शहद साहब। 20 साल से एपिसोडिक इलनेस थी, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के ये पेशेंट थे। इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती थी, कभी मैनिक एपिसोड तेज़ी, कभी डिप्रेशन में चले जाते थे। सो 20 साल से इनका ये चल रहा था सारा सिलसिला। मेरे पास है 2 महीने पहले, तो मैंने इन्हें एडमिट किया और 8 दिन मेरे ख्याल मैंने इन्हें दाखिल किया। 5 मशीनें लगाई ECT की। आज मुझे दुआ दे रहे थे, जिंदाबाद कह रहे थे। मैंने सोचा चलो वीडियो बना लें, आप लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई ऐसा पेशेंट हो और उसका फ़ायदा हो जाए, देख के उसका इलाज हो जाए। ठीक है, ओवर टू द पेशेंट एंड अटेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा इलाज किया जी, अस डॉक्टर साहब से बहुत मशहूर हाँ। असं अपने वालद साहब के बहुत जगह तो दवाइयाँ ली हैं जी, मुल्तानों भी लेंदे रहे जी, बाबलपुरों भी लेंदे रहे जी। इतने असं डॉक्टर साहब को आए, डॉक्टर साहब ने सानू इतने दाखिल किया 8 दिन। इतने मशीनां लगियां जी, मशीनां नाल इलाज होया जी। मुल्तानों भी दवाई ली, बाबलपुरों भी लेंदे रहे जी। हुण मेरे वालद साहब बहुत ठीक आ, 2 महीने हो गए जी सानू दवाई लेंदे आ, 100% ठीक है जी। पहले पहले तबीयत नहीं सी ठीक जी, जदों दे इत्थे आए हैं उदों तबीयत बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, तेज़ी आना, गुस्सा आना, जज्बात, जल्दबाजी करना। बाखिदमत जनाब, मैं विहाड़ी तो अर्ज कर रहा हूँ, शाहिद महमूद मेरा नाम है, कौम जाटा, चक छत्तर WB, तहसील व जिला विहाड़ी। उतों मैं आया, मरीज हाँ मैं 20 साल तो। अगर दवाइया मैं मुल्तानों लेंदा रहा, बबलपुरों भी लेंदा रहा, मैनू आराम नहीं आया। मैं चले गया बावल डेटा गाजी खां, डॉक्टर रजवान को मैं दवाई ली, बिल्कुल मैं हूँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। 8 दिन मैं दाखिल रहा, मशीन लगदिया रही, मैं वो मशीन किसी डॉक्टर को है ही नहीं, जी डॉक्टर रजवान को मशीन है। तो दिन हो गए वो बंदा डॉक्टर रजवान साहब को आके दवाई लवे, तो इतने दाखिल भी रहो, तो जान नो कोई शह नहीं चंकी, जान है तो जहान। तो भाईओ इलाज करना सवाब आ, सुनत आ, दम भी कराओ तो इलाज भी कराओ, दो काम करो। दवाई का नागा नहीं करना, मैं 2 महीने हो गए, मैं बिल्कुल सेहत, मेरा दिमाग काम करता, जेन बिल्कुल 16 नया मैं इस टाइम, तो अज फिर मैं दवाई लैन आया। शुक्र उस मालिक का, तो डॉक्टर साहब के ईद मुबारक वाला भी कम अज हो गया वाधू। हाँ डॉक्टर रजवान जिंदाबाद, डॉक्टर रजवान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इनके जज्बात हैं जो ये कह रहे हैं जिंदाबाद, इन्होंने खुद कहा है, दिल से कहा है। क्यों इन्हें रिलीफ मिला है? कहते हैं मैं 100% ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, आपने एक दवाई भी इधर उधर नहीं करनी, मुझे कहते हैं नुस्खे में से। बड़ा अच्छी उन्होंने बात की है, क्लियर कट आपको मैसेज दिया है। कहते हैं आप ये मशीनें किसी और डॉक्टर के पास नहीं हैं, यहाँ आए मशीनें लगवाएं। कम है, सही कम है, बहुत ECT ट्रीटमेंट बहुत कम साइकियाट्रिस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है, हैक्टिक काम है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, और पेशेंट को दाखिल करना इट्स नॉट ईजी टास्क, मुश्किल है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। डीजी खां पूरे डिवीजन को मैंने संभाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, साउथ पंजाब को। अब ये विहाड़ी से हैं, इसी तरह कोई क्वेटा, कोई इस्लामाबाद, कोई कराची, वो इसलिए भी यहाँ केयर हो रही है, मरीज़ ठीक हो रहे हैं मशीनी इलाज से, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। ये मिसकंसेप्शन, ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए। अब आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल ठीक बातें की हैं, 100% ठीक बातें की हैं, इन्हें 5 मशीनें भी लगी हैं नॉर्मल रूटीन में, बल्कि शुक्र अदा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, 100% कहते हैं मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है जी, ये पैगाम था मेरी तरफ से, पेशेंट की तरफ से जो विहाड़ी से आए। भी इस बीमारी को छुपाना नहीं है, इस बीमारी को बताना है, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, तेज़ी की बीमारी, किस्तों में आती है, 18-19-20 साल में ये स्टार्ट हो जाती है, चलती रहती है सारी ज़िंदगी, मरीज़ बेचारे ये भुगतते रहते हैं। क्यों सही काउंसलिंग नहीं होती, कोई उनको ठीक बताता ही नहीं है,
भी इसका इलाज लॉन्ग टर्म है, ये सारी ज़िंदगी के लिए, लंबे अरसे के लिए ये इलाज चलता रहेगा, आपने छोड़ना नहीं है। तब जाके मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। फिर उसे एपिसोड नहीं आएगा कोई, ना मैने का आएगा ना डिप्रेशन का आएगा। हमने उसके मूड को स्टेबल रखना है, ऐसे सीधा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। सो मकसद यही है, आप लोगों को अवेयरनेस देना, आप लोगों को बताना, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि लोगों कोई लोग जो इन में प्रॉब्लम में आए वो आए अपना इलाज कराएं। ये बेचारे बड़ी बुरी हालत होती है, कितना मुश्किल है तुझे, कितना मुश्किल है इससे, बहुत मुश्किल से एक ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। बाइपोलर के साथ हो, डिप्रेशन हो, एनजाइटी हो, ड्रग एडिक्शन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, जो बीमारी हो, नफ्सियाती बीमारी के साथ लाइफ बहुत तकलीफ़ में होती है, और यही तकलीफ मैं दूर करना, ख़त्म करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।